अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? देखो सबसे पहले तो समझेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद है क्या, समझो गौर से जरा। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो, अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक राज्य, अंतर्राज्यीय का मतलब दो या दो से अधिक राज्य, अधिक राज्य। पहले तो ये समझो अंतर्राज्यीय का मतलब। जल का मतलब समझते हैं हम लोग पानी, जल का मतलब जल ही होता है। विवाद का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा बोल सकते हैं या वाद विवाद बोल सकते हैं, वाद विवाद बोल सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है? जब एक नदी जो है ना, एक नदी जो है वो एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है, या एक नदी एक से अधिक राज्यों से होकर के बहती है, तो होता ये है कि कई बार जल के बंटवारे को लेकर के थोड़ा सा बहस हो जाता है राज्यों के बीच में, जिसको हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद बोलते हैं। हमने क्या कहा, मान लो ये नदी बिहार से भी होकर बह रही है, उत्तर प्रदेश से भी होकर बह रही है, ठीक है, और बंगाल से होकर के भी बह रही है। मान लेते कोई ऐसी नदी है जो इन तीनों राज्यों से होकर के बह रही है। अब कई बार ऐसा होगा कि जल के बंटवारे को लेकर के इन तीनों राज्यों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद हो जाएगा, है ना। हो सकता है कभी उत्तर प्रदेश को कम पानी मिले, या पश्चिम बंगाल को कम पानी मिले, या बिहार को कभी कम पानी मिले। तो इस स्थिति में इस तीनों राज्य के बीच जल के बंटवारे को लेकर विवाद होगा, इसी विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। कारण क्या होता है? जल का बंटवारा होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण जो है वो जल का बंटवारा होता है। आंसर देखो, अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण एक नदी का कई राज्यों से होकर बहना, ये हमने बता दिया। इस कारण से जल बंटवारे को लेकर दो राज्यों के बीच मतभेद हो जाते हैं। कुछ उदाहरण हमारे पास है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच झगड़ा चल रहा है कावेरी जल को, कावेरी नदी के जल को लेकर। इसी तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा नदी के जल को लेकर के झगड़ा चल रहा है। तो ये समझ में आ गया अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है।